नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरीज खारी, आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, कौन सी इसकी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं और ये किन वजह से होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, आजकल लाइपोमा बहुत कॉमन हो गया है। बात की जाए इंडिया की तो इंडिया में लगभग 1% पॉपुलेशन लाइपोमा से ग्रसित है, यानी 1% लोगों को इंडिया में लाइपोमा है। दोस्तों, लाइपोमा फैटी लम्ब्स होते हैं जो मसल्स लेयर और स्किन के बीच होते हैं, यानी इसे हम फैटी सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर फैटी टिश्यूज भी बोल सकते हैं, यानी चर्बी की गांठें होती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं। दोस्तों, लाइपोमा का साइज तो धीरे धीरे बढ़ता ही है, साथ ही पेशेंट्स को कई बार मल्टीपल लाइपोमा भी हो जाते हैं। दोस्तों, लाइपोमा मेल फीमेल किसी को भी हो सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकते हैं। दोस्तों, लाइपोमा नॉन कैंसरस होता है, यानी ये कैंसर नहीं होता है। दोस्तों, अगर इनकी ऑब्जर्वेशन की जाए तो ये हार्ड नहीं होते हैं, बॉडी में कहीं भी अगर ये हों तो मूवेबल होते हैं, टच करने से इधर उधर जाते हैं। और इनकी शेप की बात की जाए तो ओवल और राउंड शेप के होते हैं। दोस्तों, लाइपोमा ज़्यादातर पेशेंट्स को शोल्डर पर होता है या फिर आर्म्स पर होता है, थाइस पर होता है या फिर पीठ पर भी हो सकता है या बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। दोस्तों, इसके लक्षण तो यही होते हैं। कारण की बात की जाए तो इसके आज तक कोई खास कारण सामने नहीं आया है। रिसर्च में अभी तक इसके कुछ चुनिंदा कारण सामने आए हैं, जैसे कि अगर पेशेंट्स में जेनेटिक्स हो, लाइपोमा अगर जेनेटिक्स हो, फैमिली हिस्ट्री में किसी को लाइपोमा पहले हुआ हो तो पेशेंट में होने के चांस रहते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका डाइट फैक्टर रहता है। अगर पेशेंट फैटी फूड ज़्यादा खाता है तो वो फैट कहीं ना कहीं बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे गांठें बनती हैं और फैलती जाती हैं। इसलिए अपनी बॉडी में फैट को कम ही रखना चाहिए। दोस्तों, युवाओं में ये एक्सरसाइज करने के बाद, यानी जो लोग जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद भी लाइपोमा होने के चांस रहते हैं। दोस्तों, लाइपोमा के टाइप की बात की जाए तो जो इसका सबसे पहला टाइप होता है वो होता है कन्वेंशनल लाइपोमा, दूसरा इसका एंजियोलाइपोमा होता है, तीसरा मायोलाइपोमा होता है। दोस्तों, फिब्रोलाइपोमा एक इसका अलग टाइप होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी लाइपोमा है तो इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एलोपैथिक में इसका मेडिकेशन नहीं होता है, यानी इसकी कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं। एलोपैथिक में सिर्फ सर्जरी होती है जो सेफ भी नहीं होती है, यानी पेशेंट को दर्द तो होता ही है, साथ ही इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा लाइपोमा नहीं होगा, यानी लाइपोमा सर्जरी के बाद ठीक नहीं होते हैं। अब इसके क्योर की बात की जाए, यानी परमानेंट इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है, ये क्योर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, लाइपोमा कितने पुराने हैं, पेशेंट की कितनी एज है और कितने बड़े हैं लाइपोमा, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन तो इसकी बहुत सारी होती हैं, वो पेशेंट की केस टेकिंग के बाद ही पता लगता है कि इनको कौन सी दवाइयाँ सूट करेगी और डॉक्टर बनाकर ही देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। याद रखें, लाइपोमा के ट्रीटमेंट में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, सब्र रखें और दवाई खाते रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।